कहानी कुछ इस तरह से है, जैसे कि मैंने आप सब लोगों से कहा था कि वेडिंग्स के ऊपर मैं व्लॉग्स शूट करूँगी, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी, लेकिन लास्ट टाइम पे आके मेरे जितने भी प्लान्स हैं वो हो जाते हैं बिल्कुल चौपट। कहते हैं ना, बंदा सोचता किया तो हो ही जाता है। तो सोचा था कि शादी पर जाऊँगी, ये होगा वो होगा, व्लॉग्स बनाऊँगी, बट लास्ट टाइम पे आके मुझे ही बुखार होना होता है। हर शादी पे कुछ ना कुछ रप्पड़ तो मेरे साथ पड़ ही जाता रहा। तो इस वीडियो में जो आपको घूमती फिरती खूबसूरत सी लड़की नज़र आ रही है, ये मेरी प्यारी बहन है। तो उसने मुझे कोई एक आधा क्लिप भेज दिया जिसकी मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी। हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग, एंड वेलकम बैक टू माई चैनल कुकिंग यूट्यूबर मैविश। तो शादी की वे व्लॉग जो है वो तो मैं बना नहीं सकी। तो बहुत टाइम से मेरी बहन ने जो रिक्वेस्ट कर रही थी कि जो आपने ड्रेसेस आपने बताया था कि मैं दिखाऊंगी हमारे साथ, वो तो शेयर कर दें। तो बस अभी मैं बर्तन धो के बैठी हूँ क्योंकि आज फिर हमारे घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे। तो सोचा फ्री होके मैं रात को वीडियो बनाऊँगी, तो अभी मैं आप लोगों के साथ वो ड्रेसेस जो है शेयर करने वाली हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये वाला ड्रेस जो सबसे पहले जो मेहंदी लेके जब जाते हैं तब उसने पहना था, ठीक है। ये शरारा है, लेकिन ये फुल बड़े घेर वाला लाइक लहंगे टाइप का है, ठीक है। इसके ऊपर ये वाला, इसकी फुल हैवी जो है ना शर्ट, इसके ऊपर काम किया हुआ है। ये फैंसी नहीं है, वर्क इसके ऊपर मैंने खुद करवाया था। तो ये डिज़ाइंस आप देख सकते हैं, ये इसकी स्लीव्स हैं और ये इस तरह की मैंने पर्ल्स लगवाए हैं। और ये मासूरी के ऊपर मैंने काम करवाया था, कपड़े की मैचिंग, कपड़े की कंट्रास्ट और किस काम वाले को कपड़े देने हैं, ये सारी जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे ऊपर था। तो इस तरह से मैंने अपनी बहन का ये वाला ड्रेस जो है डिज़ाइन खुद किया है। और जी इसके बाद नेक्स्ट आप ये ड्रेस देख सकती हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये वाला उसने फर्स्ट मेहंदी पे पहना था। ये फुल नीचे हैवी मैक्सी जो है बनी हुई है, इनर भी इसके साथ अटैच है, ठीक है। ये ऐसे लगता है जैसे हम ब्राइडल की डबल मैक्सी देखते हैं ना अक्सर, तो उस तरह से मैंने कॉन्सेप्ट लिया था कि इस तरह से मैं इसको करूँगी। वो इसके ऊपर शॉर्ट शर्ट जो है इस तरह की, ये नेट की बनी हुई है, नहीं सॉरी ऑर्गेन्जा के ऊपर ये आई थिंक बनी हुई है। तो ये शर्ट देखें बहुत खूबसूरत, ये शर्ट जो है ये मुझे मैंने खुद ली थी, लाइक इसके ऊपर मैंने काम नहीं करवाया था, ये काम की हुई मुझे शर्ट कहीं से मिली थी। तो फिर उसके बाद फिर इसकी मैंने जो है ना डिज़ाइनिंग की, आप देख सकते हो किस तरह से मैं कंट्रास्टिंग करती हूँ। और साथ में ये वाला दुपट्टा इसके साथ मैंने मैच किया था। तो ये ओवरऑल ड्रेस जो आपने वीडियो में भी देखा मेरी बहन पहन के खड़ी हुई थी, ये वो ड्रेस है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ये वाला फ्रॉक, ये फ्रॉक मैंने अपनी बहन के लिए सोचा था कि मैं बारात के ऊपर इसका करूँगी, क्योंकि उसने मुझे शुरू से कहा था कि मैविश मैंने जो है डार्क कलर्स पहने हैं, विंटर पे अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैंने उसकी चॉइस को देखते हुए उसकी ड्रेस डिज़ाइन किया। ये मैंने उसका बनवाया था डी फ्रॉक, बारात के ऊपर ब्लैक कलर अच्छा लगता है पहना हुआ, कुछ न्यू हो जाता है। तो इसलिए मैंने बारात के ऊपर ये वाला कलर इसका सेलेक्ट किया था। और ये स्लीव देखें, ये कटवर्क मोतियों वाली सारे मैंने इसके ऊपर करवाया था, तो क्योंकि इसको चाहिए था मैं बारात पर बहुत ज़्यादा हैवी लुक हो, इसलिए मैंने ये डी फ्रॉक उसका फुल हैवी जो है ना सारा का सारा ये काम ही है। साथ में ये गोटे वाले दुपट्टे जो मैं अपने चैनल पे लेके आई थी, ये वाला मैंने उसके ड्रेस के साथ कर दिया मैचिंग। और साथ में इसकी था मेरे ख्याल में, हाँ मासूरी का इसके साथ मैंने कैपरी जो है बनवाई थी, क्योंकि कैपरी जो है मासूरी की अच्छी लगती है और बहुत ज़्यादा ये स्टफ़ आजकल इन चल रहा है। तो बारात के ऊपर ये मेरी खूबसूरत सी प्यारी सी बहन ने ये प्यारा सा ड्रेस पहना था डी फ्रॉक। जो ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मेरा खुद का है, इसलिए इसकी ये हालत है। प्रेस से आप देख सकते हैं कि मैं अपनी चीजों को लेके कितनी हिफाजत में करती हूँ। बाकी आपने देखे किस तरह से पड़े हुए थे, ये मेरा है, इसकी मैं आपको डिजाइनिंग दिखाती हूँ, ठीक है। पहले तो ये देख लो, ये कितना ज्यादा, ये फिटिंग भी मुझे खुली थी, डाइटिंग का असर देखिए, मैं बिल्कुल ही सूख ही गई हूँ। और ये वाले डिजाइन जो देख रहे हो ना, ये वाला मैंने डिजाइन किया था, तो लेट मी शो यू। ये देखे ये डिजाइन मैंने आपको मेरे एक ऑरेंज ड्रेस के ऊपर बना हुआ था, पहने हुए नजर आते हैं ऐसे समझ ही नहीं आने। और मैं अपनी डिजाइनिंग सबसे थोड़ा सा हटके करती हूँ, तो ये देखें, ये मैंने अपनी ये कटवर्क वाली स्लीव्स थी और उसके ऊपर फिर मैंने इस तरह की जो शैम्पियंस की आप ये देख रहे हैं ना, ये मोती, ठीक है, ये सारे लटकाए हुए थे। लाइक जब हम पहनते हैं ना, तो ये सारे जो है ना ये शर्ट के ऊपर आ रहे थे। इसको पहन के दिखाओ तो आपको समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। और फिर देखिए मैंने कंट्रास्ट किस तरह से की, ये देखिए मुझे रेड कलर बहुत ज्यादा पसंद था ये दुपट्टे का,
ये दुपट्टा मेरे पास मौजूद था, तो फिर इसके हिसाब से मैंने इसकी डिजाइनिंग की थी और इसके साथ मैंने ये वाला दुपट्टा लिया था और यहाँ पे मैंने अपना इस तरह से इसको बांधा था। मेरे पास एक कमर बंद भी था जिसको मैंने इसको इस तरह से लगाया था। ओवरऑल ये ड्रेस बड़ा ही जबरदस्त लगा। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, ये मेरे कपड़े हैं जो मैंने पहने थे, लाइक मैंने जस्ट दो ही फंक्शन अटेंड किए थे, इसलिए इनका हशर ये हुआ पड़ा है। मैं अपनी चीजें संभाल के नहीं रखती हूँ, तो अब मैं आपको इसका ब्लाउज दिखाती हूँ। ये देखिए, इस ब्लाउज का हशर नशर हुआ पड़ा है। मैं इसको सीधा करती हूँ। ये मैंने ना वॉश करवाया था, तो बस उसके बाद ना उसको मैंने कवर करके नहीं रखा, इसीलिए ना इस तरह से इसकी प्रेस खराब हुई पड़ी है। ये छोटा सा इसके साथ, ये मैक्सी के टाइप का था, ये इसके ऊपर ब्लाउज आया था, ठीक है, अंदर नहीं था ये, बाहर था। और इसकी ये इसकी स्लीव्स है, ये जो चूड़ी वाली स्लीव्स होती है ना, ये मैंने वो बनवाई थी, लाइक फुल यहाँ तक जो होती है, फुल वाली नजर आ रहा है ना। तो इसके पीछे इस तरह से ये जिप लगी हुई है, इसको मैं बंद कर देती हूँ। तो ये वाला, हाँ ये वाला था, और मैं आपको दिखाती हूँ इसके साथ ना मैंने इस तरह से ये वाला जो है ना, अभी तक देखे पीने नहीं मैंने उतार के देखे, मैंने इसको सेट किया था, पीने अभी भी वैसे पड़ी हुई है। ये है, शुक्र मैंने देख लिया, नहीं तो पता नहीं ये किसी कपड़े के साथ उलझ जाती ना। तो ये देखें, ये इसके साथ दुपट्टा था, इस तरह से मैंने इसको लिया था, यहाँ पे इसको मैंने इस तरह से करके पिनअप किया था। और मैं आपको एक और चीज दिखा देती हूँ, मैंने इसके साथ ना एक ये वाली मैंने जो है ना थैला, ये ज्वेलरी मैं अपनी संभाल के रखती हूँ। ज्वेलरी जो है ना, वो तो मैं अपनी चीजें तो मैं संभाल, ये चीजें मैं पहनती नहीं हूँ, बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, मेरी ज्वेलरी बहुत है मेरे पास, पर मैंने कभी नहीं ऐसी चीजें पहनी, पता नहीं क्या मुझे ना शुरू से ये ज्वेलरी वुलरी इतनी पसंद खास नहीं है। ये देखें, ये वाला इसके साथ ये वाली मैंने माला पहनी थी, और ये माला जो है ये मैंने ऑर्डर के ऊपर बनवाई थी इस ड्रेस के साथ, तो ये मुझे बड़ी पसंद आई थी, बिल्कुल लाइट सी। इसके साथ मैंने क्या पहना था, हाँ आई थिंक ये वाले मैंने इयररिंग्स पहने थे। हाँ मैं आपको इसकी दास्तान भी बताती हूँ, ये वाले इसके साथ मैंने जो है ना पहन लिए, तो यकीन करें जब मैं घर आई था तो मेरे कान जो थे ना उनका हशर खराब था बिल्कुल, मेरी इतनी रात को स्वेलिंग हुई ना अपने कान के ऊपर बिस्कोस इनको पहनने पे। ये है इतने मुझसे ये वाली चीज़ें भी नहीं पहनी जाती मेरे इतना है, तो मैं ज्वेलरी हमेशा अपनी लाइट ही सिलेक्ट करती हूँ। ज्वेलरी तो मैंने अपनी ये देखिए इस टाइप की चीज़ें पहन ली, और ये देखें मोस्टली मैं ये चीज़ें पहनती हूँ अक्सर, अगर मैंने कहीं वेडिंग वगैरह पे आना जाना हो तो। हाईला इसका एक गुम हो गया, ये देखिए बिल्कुल लाइट लाइट से इस तरह से स्टार्स से बने हुए हैं, ये बिल्कुल ये वाले हो गए, और सबसे छोटे जो है ना ये वाले, ये तो बड़े सुकून है इनमें। और ये देखिए इस टाइप की मैं ये देखिए ये मेरी माला है, इस टाइप की मैं पहन लेती हूँ चीज़ें, यही बस मेरी ज्वेलरी होती है, अदरवाइज हैवी ज्वेलरी तो आज तक मैंने नहीं पहनी। तो बस अभी हम इसको संभाल के जो है रख देते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।